सिद्धापुरम नाम के गांव में सोमू और वसुंधरा नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनका बेटा राजू है। राजू के मूर्ख बुद्धि से उसका पिता हर समय परेशानियों में पड़ जाता है। एक दिन सोमू उसके बेटे को लेके बाहर जाने लगा। वहाँ एक आदमी एक भिखारी को डांटने लगता है। हम क्यों तुझे दान दे? मेरी मेहनत की कमाई बस तुझे यूं ही दे दो? जा, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे वो आदमी उस भिखारी को डांटने लगा। तब सोमू उस व्यक्ति से, सुनिए, हमारी कमाई में से ऐसे लोगों को दान करना बहुत अच्छी बात है, आप दान मत कीजिए, पर आप उसे ऐसे डांटना ठीक नहीं है साहब। ऐसे सोमू हितबोध करके भिखारी को उसके पास रहे पैसों में से थोड़े से दान करके जाता है। तब राजू ने, ओहो, पापा को मेरा हर काम पसंद नहीं आता, अभी मुझे पता चला पापा को क्या पसंद है, मैं भी पापा की तरह दान करके अच्छा नाम कमाऊंगा। ऐसे राजू सोचता है। उसके बाद राजू घर जाने के बाद कबोर्ड में रहे पूरे पैसे लेकर बाहर नजर आए हर एक भिखारी को दान करके जाने लगा। घर में रहे पूरे पैसे रास्ते में रहे हर एक भिखारी को दान करता गया। सोमू को पैसों की जरूरत रहने पर घर में कबोर्ड में रहे पैसों के लिए देखने पर उसे एक रुपया भी दिखाई नहीं देता। तब सोमू डर के, सुनो वसु, कहाँ हो? यहाँ कबोर्ड में रहे पैसे नजर नहीं आ रहे, तू ली क्या वसु? ऐसे बहुत टेंशन से पूछता है। तब वसु भी टेंशन होके जल्दी से आकर कबोर्ड पूरा ढूंढती है। मैं पैसे नहीं लीजी, अरे आज तो घर को भी कोई नहीं आए। ऐसे दोनों बातें करते समय उनका बेटा राजू आता है। राजू को देख के वसु ने, राजू बेटे, कबोर्ड में रहे पैसे तुम देखे क्या? तब राजू बहुत खुशी से, देखा माँ। देखे कहाँ बेटा, कहाँ है हमारे पैसे? ऐसे बहुत उत्सुकता से पूछता है सोमू। तब राजू ने, पापा, मैं वो पैसे लेके आपकी तरह मैं भी भिखारियों को दान दिया पापा। ऐसे बहुत खुशी से कहता है। तब सोमू गुस्से से, क्या राजू, क्या कह रहे हो, पूरे पैसे तुम भिखारियों को दान दिए? हाँ पापा, आप ही बोले ना हमारे पास जो है उसे दान करने को। ऐसे राजू भोलेपन से कहता है। राजू की बातें सुनके सोमू सर पकड़कर, हे भगवान, इस मूर्ख को कैसे बताऊं? हमारे पैसे दान करना है मतलब एक या दो रुपए दान करना है, ये नहीं हमारे पूरे पैसे दान करो, ऐसे करने से हम भिखारी बन जाएंगे राजू। ऐसे डांटता है सोमू। तब राजू मन में, अभी मेरे काम में क्या गलत है, पापा क्यों डांट रहे हैं, मुझे बहुत पुण्य मिला ना, शायद इसीलिए डांट रहे हैं, ऐसे सोच के वहाँ से चला जाता है। इस तरह राजू के हर एक काम से लाभ के बजाय नुकसान ही होता है। एक दिन राजू को उसका पिता उनके आम के बगीचे को ले जाकर, राजू मैं जल्दी से आ जाऊंगा, तू यहीं रह के पके हुए आम कहाँ कहाँ है देखना, ऐसे कह के चला जाता है। सोमू जाने के बाद राजू आम के पेड़ों को देखकर, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा आम पका है और कौन सा आम कच्चा है, अभी मैं क्या करूं? ऐसे राजू सोचते समय उसे एक आइडिया आता है। तुरंत वो पेड़ों से आम तोड़ने लगा। इतने में सोमू वहां आकर देखने पर पेड़ों को एक आम भी नजर नहीं आती। वो सब देख के, बाप रे, लगता है ये भंवर जरूर कुछ किया है। तब जल्दी से भाग के राजू के पास जाकर देखने पर वहाँ राजू पूरे आमों को एक जगह रख के उनमें से पके हुए आम अलग से रखने लगा। राजू क्या कर रहे हो? पापा आप बोले ना, पके आम देख रहा हूँ, ये सब पके हुए आम हैं। ऐसे कहता है। राजू के काम से सोमू को बहुत नुकसान होता है। सोमू कुछ नहीं कर सका और वो अपने आप को शपथ लगाता है। उसे देख के राजू ने, बेचारे पापा हर समय मेरे काम से दुखी हो रहे हैं, आगे से मेरे कामों से पापा बहुत खुश होना है, ऐसे सोचता है। एक दिन रात को राजू मंदिर के पास रहते समय
एक चोर मंदिर में घुसने लगा। उसे देख के राजू उसके पास जाकर बात करता है। तब चोर समझ लेता है कि राजू एक भंवर लड़का है। उससे राजू से दोस्ती बढ़ा के उसे भी मंदिर के अंदर उसके साथ ले जाता है। मंदिर में रहे पूरे पैसे राजू खुद लाकर चोर को देता है। वो सब लेके चोर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन पुलिस वाले उस चोर को पकड़ के राजू के घर लाते हैं। राजू, तेरी वजह से ही हम इस चोर को पकड़ सके। कल तुम इस चोर को असली सोना नहीं नकली सोना दिए। इस चोर को पकड़ के पूछने पर पूरा विषय पता चला। सच में तुम बहुत महान काम किए राजू, ऐसे तारीफ करते हैं पुलिस वाले। ये सब देख के सोमू बहुत खुश होता है। बंडारपल्ली गांव में सोमराज नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत गरीब था। हर रोज वो जमींदारों के घर काम करके उनके घर खाना खा के पेट भरता था। सोमराजों के दादा परदादा उसी गांव में जमींदार थे, पर समय बीतने पर उनकी संपत्ति कम होके गरीब हो जाते हैं। लेकिन सोमराज की इच्छा फिर से उसका परिवार जमींदार बने। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करने लगा, पर कितना मेहनत करने पर भी उसे सिर्फ कूली के पैसे ही मिलते थे। एक दिन सोमराज ऐसे सोचने लगा, ऐसे ही रहा तो मैं कब कमाऊंगा और जमींदार कब बनूंगा। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ ना। ऐसे हर रोज भगवान से प्रार्थना करता था सोमराज। एक दिन सोमराज उसका पुराना पेटी खोल के कुछ ढूंढते समय उसे एक पुराना पुस्तक मिलता है। अरे, ये कैसा पुस्तक है? इससे पहले मैं कभी नहीं देखा। इसमें क्या लिखा है? सोमराज वो पुस्तक खोल के पढ़ता है। तब सोमराज ने, इस पुस्तक में तो हमारे परिवार के लिए लिखा है। सब सोचते हैं हमारी संपत्ति चली गई, पर सच तो ये है कि हमारी संपत्ति कहीं नहीं गई। बहुत पहले शत्रुओं से हमारी संपत्ति बचाने के लिए सागर से 15 मील दूर रहे एक माया शहर के एक मंदिर में हमारी सारी संपत्ति छुपा के रखे। वहाँ जाकर हमारी संपत्ति लाना बहुत मुश्किल है। ये संपत्ति हासिल करने के लिए जो भी जाएगा वो माया शहर के जादू में फंस जाएगा। ऐसे उस पुस्तक में लिखा रहता है। सोमराज उसे पढ़ के खुशी से, मतलब मैं गरीब नहीं हूँ, मैं जमींदार हूँ। मैं तुरंत जाकर अपनी पूरी संपत्ति हासिल करूँगा। उसके बाद एक नाव लेके सागर से वो माया शहर जाने लगा। एक दिन का सफर होने के बाद सोमराज माया शहर पहुंचता है। सोमराज माया शहर पहुंचने के बाद वहां उसे एक आदमी दिखाई देता है। सोमराज उसके पास जाकर, चाचा, इस शहर में मंदिर कहाँ है, ऐसे पूछता है। तब वो आदमी सोमराज को ऊपर नीचे देख के अजीब से हंसता है। ओह, मंदिर को आए हो, तो चलो मैं ले जाऊंगा, आओ मेरे साथ। वो आदमी सोमराज का हाथ पकड़ के ले जाता है। बहुत दूर जाने के बाद सोमराज बहुत थक जाता है। चाचा, और कितना दूर है, और आगे जाना मुझसे नहीं होगा, ऐसे कह के वहीं बैठ जाता है। मंदिर को आए हो ना तुम, थक जाने से कैसे। चलो, बहुत नजदीक है। ऐसे फिर से अजीब से हंस के सोमराज को जबरदस्ती ले जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बहुत बड़ा रेगिस्तान आता है। चारों ओर रेती ही रेती रहती है। उसे देख के सोमराज ने, चाचा, ये क्या, रेगिस्तान को ले आए, ऐसे पूछता है। तब वो आदमी जोर से हंस के गायब हो जाता है। सोमराज को कुछ समझ में नहीं आया और देखता रह गया। थोड़ी देर बाद सोमराज को लगा वो माया शहर के जादू में फंस गया है। वहाँ से किसी भी हालत में बाहर आने के लिए पैदल जाने लगा। चलते चलते वो बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आके देखने पर सोमराज उस माया शहर में पहले वो जहाँ था वहीं रहता है। ये सब देखकर, यहाँ तो मैं किसी से भी मदद नहीं ले सकता, मुझे ही उस मंदिर को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे सोचकर उस माया शहर में मंदिर ढूंढने लगा।
बहुत घूम घूम के उसे भूख लगने लगी। बहुत भूख लगी है, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा क्या? उसके बाद वो एक होटल में जाके खाना खाने लगा। वो कितना खाने पर भी उसकी भूख बढ़ रही थी, पर उसका पेट नहीं भरता। ये क्या, कितना खाना खाने पर भी पेट नहीं भर रहा? पानी पीने से भी प्यास नहीं बुझ रही? ऐसे रहने से मैं यही मर जाऊंगा। किसी भी हालत में ये माया शहर से बच के मेरे दादा छुपाए संपत्ति को ले जाना है। सोमराज फिर से भूख से बेहोश हो जाता है। उसे होश आके देखने पर वो फिर से पहली जगह पर ही रहता है। तब सोमराज उसके दादाजी लिखे पुस्तक फिर से पढ़ने लगा। उस पुस्तक में माया शहर के जादू से कैसे बच निकलना है पूरा लिखा रहता है। जैसे उस पुस्तक में लिखा रहता है वैसे ही सोमराज जादू से बचने लगा। आखिर में उस पुस्तक में सूरज की पहली किरणें जिस पहाड़ पर पड़ते हैं वही संपत्ति का रास्ता है करके लिखा रहता है। सोमराज उसी तरह सूरज की किरणें पड़ रहे पहाड़ के पास जाकर अंदर घुसता है। वहाँ एक सुंदर सी लड़की सोमराज को देखकर उसके पास आती है। सोमराज उस सुंदर सी लड़की के जादू में फंस के उससे बात करते करते अपना काम भूल जाता है। वो लड़की सोमराज से बहुत प्यारी प्यारी बातें करके उसे सुला देती है। सोमराज की नींद खुल के देखने पर फिर से वो पहली जगह पर ही रहता है। वो सुंदर लड़की भी एक जादू है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। लगता है इस माया शहर में हर एक चीज जादू है। इस बार मैं किसी का यकीन नहीं करूंगा, किसी भी हालत में मैं अपनी संपत्ति को हासिल करूंगा। ऐसे सोचकर वो पहाड़ के अंदर जाता है। सोमराज को एक मंदिर दिखाई देता है। वहाँ शिवलिंग के पीछे उसके परदादों की संपत्ति देखकर आश्चर्य हो जाता है। वो लगभग 3-4 नावों भरी संपत्ति है। वो पूरा संपत्ति ले जाकर सोमराज बहुत बड़ा घर बना के उसके जैसे मेहनती लोगों की मदद करता है।